हाँ हेलो। हाँ तुम ये वीडियो देख रहे हो। हाँ वही तुम ही से बात कर रहा हूँ मैं। तो नर्स जॉय को खाना खिला के आ गया। ओह सॉरी। हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम्हारा स्वागत है पोकेमॉन फैंस टूर्नामेंट के सीज़न 2 में। और आज का मैच है अमन ग्रीन निंजा वर्सेस स्विफ्ट केमर प्रिंस। तो मैच के लिए रेडी हो जाओ बच्चों लोग, और चलो देखते हैं। तो राउंड ख़त्म तो हो चुका है गाइस। अरे कहाँ आ गया मैं? अरे ये कौन सा प्लेनेट है? अरे ओ ये तो मेरा ही टूर्नामेंट था। ओ तो ये खुफेट बुड्ढे के मैं मैच में आ गया हूँ टूर्नामेंट में। चलो मैं ही होस्ट कर लेता हूँ। तो यार ओ साला नमस्कार देवी और उनकी सजनों। तो यार आपका स्वागत है पोकेमॉन फैंस टूर्नामेंट सीजन 2 के एक अविस्मरणीय मैच, जहाँ आज होने वाला है अमन ग्रीनिंजा वर्सेस स्विफ्ट केमर प्रिंस। तो यार एक अमेजिंग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। दोनों के चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर मेंशन भी हो जाएगा। और एक डिस्क्लेमर, ये मैच होने वाला जेनेट रैंडम। तो गाली लिखने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये मैच काफ़ी इनसेन होने वाला है। तो गाली मत लिखना, इंजॉय करो और लाइफ चिल रहो, मजा मार, गेम शो एंड बाय बाय। सो अमन का पहला पोकेमॉन है ड्यूरेडिलियन और प्रिंस का पहला पोकेमॉन है किंगलर। ड्यूरेडिलियन स्टेल्थ रॉक मारता है, किंगलर सुपर पावर मारता है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है अमन भाई की, क्योंकि स्टेल्थ रॉक काफ़ी सुपर इफेक्टिव तो होता है। फिर वो ड्रैको मीटियोर मार के किंगलर को हरा देता है। फिर प्रिंस मॉर्पी को निकालता है और अमन पोकेमॉन स्विच करके हलूचा को निकालता है और वो मॉर्पी को ऑरा व्हील मारता है और हलूचा हार जाता है। तो फिर हलूचा के हारने के बाद मॉर्पी को अपना रूप चेंज कर लेता है। फिर अमन स्लैट निकालता है और मॉर्पी को वापस ऑरा व्हील मारता है, जो थोड़ा इफेक्ट होता है, और मड स्लैट बॉडी प्रेस मार के मॉर्पी को हरा देता है। फिर आता है थंडरस और ये मड स्लैट को डायनामैक्स कर लेता है और ये मैक्स रॉकफॉल मारता है थंडरस पे, जो लगभग हेल्थ ख़त्म ही कर देती है, मान के ही चलते हैं, मतलब मैं हाँ हार ही गया। फिर मैमोस्वाइन आता है, जैसा तुम लोग देख सकते हो मैमोस्वाइन डायनामैक्स हो गया, मैक्स हेल स्टॉम मारता है और मर्सेल का लगभग हेल्थ ख़त्म ही हो चुका है, येलो तक आ गया है। फिर वो मैक्स नकल मारता है, जो ज़्यादा इफेक्टिव मेरे हिसाब से तो नहीं लगा। फिर मैमोस्वाइन वापस से मैक्स हेल स्टॉम मारता है और मर्सलेट को हरा देता है। फिर अमन भेजता है ड्यूडलियन, ड्यूडलियन बॉडी प्रेस मारता है जो येलो हेल्थ तक ला देता है मैमोस्वाइन को। फिर वो भी मैक्स नकल मारता है और ड्यूडलियन हार जाता है। फिर मैमोस्वाइन अपने मतलब डायनामिक्स फॉर्म से हट कर आ जाता है वापस। तो फिर अमन सुकून निकालता है, मैक्स मैमोस्वाइन अर्थक्वेक मारता है और सुकून स्केल्ड मारता है और मैमोस्वाइन हार जाता है। फिर सुकून हरा देता है मैमोस्वाइन को। तो फिर डुओ ब्लेड भेजता है प्रिंस और फिर सुकून स्केल्ड मारता है। डुओ ब्लेड का लगभग हेल्थ मतलब ग्रीन तक ही रहता है, पर फिर डुओ ब्लेड स्वॉर्ड डांस यूज़ करता है और बर्न हो जाता है वो डुओ ब्लेड। फिर क्रिटिकल हिट लगता है डुओ ब्लेड को और डुअल ब्लेड क्लोज कॉम्बैट मारता है और सुकून अभी तक उसकी हेल्थ गई नहीं, वो येलो हेल्थ तक अभी भी है। फिर वो वापस से शैडो स्नीक मारता है और सुकून रेड हेल्थ तक आ जाता है और बर्न होने के चक्कर में डुअल ब्लेड हार जाता है। फिर प्रिंस निकालता है पैसिमिनेन और फिर सुकून स्केल्ड मारता है पैसिमिनेन पर, जो बर्न हो जाता है पैसिमिनेन भी। फिर अर्थक्वेक मारता है, सुकून की लगभग हेल्थ गई नहीं अभी तक, पैसिमिनेन बर्न हुआ जा रहा है। और सुकून रेस्ट चला जाता है, रेस्ट मूव यूज़ करता है जो उसकी लगभग पूरी हेल्थ को सही कर देता है। वो अर्थक्वेक मारता है पैसिमिनेन पर, उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं, पैसिमिन पर अभी भी बर्न हुआ जा रहा है। और सुकून स्लीप टॉक यूज़ करता है, फिर रेस्ट यूज़ करता है, फिर अर्थक्वेक पैसिमिनेन मार रहा है और लेट्स सी देखते हैं क्या हो रहा है। फिर सुकून वापस सो जाता है स्लीप टॉक, फिर पैसिमिनेन अर्थक्वेक वापस मारता है, फिर सुकून डिस्ट्रेस हो जाता है और सुकून स्केल्ड मार के पैसिमिनेन को लगभग हरा देता है। पैसिमिनेन फिर अर्थक्वेक मारता है पर बर्न होने के चक्कर में पैसिमिनेन हार जाता है। एंड विनर इज अमन ग्रीनिंजा। तो गाइस मैच तो ओवर हो गया और हमारे पास विनर हो गया आ चुका है, जिसका नाम है अमन ग्रीनिंजा। तो यार काफ़ी इनसेन बैटल रही मेरे हिसाब से तो रही, बाकी प्रिंस ने अच्छी स्ट्रेटजी के साथ लड़ा बस। और हाँ एक और चीज़, प्रिंस को जाके बिल्कुल हेट कमेंट्स मत लिखना और दोनों को जाओ सब्सक्राइब करो, दोनों को सपोर्ट दिखाओ, दोनों ने अच्छा बैटल लड़ा। और हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ कि प्रिंस ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी लगाई, बस सुकून अगर ना आया होता तो चांसेस थे कि प्रिंस भाई जीत सकता था, पर कोई बात नहीं, आपने काफ़ी अच्छा बैटल लड़ा प्रिंस भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर द बेस्ट। और अमन भाई आपने भी काफ़ी अच्छा लड़ा है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी बेस्ट हो। तो यार दोनों के चैनल के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेंशन भी हो जाएगा, तो जाओ उन दोनों को सब्सक्राइब कर दो। तब तक ले बाय बाय, पीस आउट एंड फेयरवेल। और हम मिलेंगे कोई अगले टूर्नामेंट की वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, पीस आउट एंड अगेन फेयरवेल। और यार ऐसा क्या बात।